हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आपको 10 साल बच्चे का मास बना के दिखाती हूँ, जिसके लिए पेपर, इंची, टेप, प्लेट और कैंची की जरूरत पड़ेगी हमें। चलिए मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ छोटे बच्चों का मास कैसे बनता है, जिसके लिए हमें 4.5 इंच चौड़ाई चाहिए इसकी। ये पेपर हमारा, पेपर पर ही निशान लगाऊंगी मैं पहले, मैं क्योंकि डायरेक्ट कपड़ा आपका ख़राब हो सकता है, इसलिए पेपर पर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये 4.5 पर मैंने निशान लगा लिया। ऐसी 4.5 इंच की हमें लंबाई चौड़ाई हमें टोटल 4.5 इंच चाहिए। हम इसको बॉक्स बनाएंगे एक, ये 4.5 है, पूरा हम बॉक्स बना लेंगे। लंबाई चौड़ाई सब बराबर होनी चाहिए इस कागज पे। यहाँ से भी हम 4.5 पर निशान लगाएंगे, लाइन खींचेंगे। हमने लाइन खींच ली, इसे पूरा बॉक्स बना देंगे। 4.5 लंबाई चौड़ाई 4.5 सब होनी चाहिए। ये 10 साल के बच्चे का मास है। चलिए यहाँ से मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है, लाइन खींचेंगे 1 इंच पे। यहाँ से 1/2 इंच पर लाइन खींचेंगे। हमने 1/2 इंच पर लाइन खींच लिया। चलिए इसका हम सर्कल बनाएंगे प्लेट रख के। ये हमने प्लेट रखा 1 इंच पर और 1/2 इंच पर। हमने इसका सर्कल बना लिया। ये हमने सर्कल बना लिया। चलिए यहाँ से मैं आपको निशान लगा के दिखाऊंगी। ये हम यहाँ हमने 1 इंच का लगाया है, तो ऐसे हम यहाँ 1.5 इंच पे लगाएंगे निशान। ये हमने 1.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। ये हमारा 1.5 इंच पे निशान हो गया, 1 इंच, 1.5 इंच। ऐसे हम नीचे से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने नीचे से 1 इंच पे निशान लगा लिया। चलिए इस 1/2 इंच को इस 1 इंच से लाइन खींचेंगे। ये हमने लाइन खींच ली। चलिए प्लेट रख के इस पे हम लाइन खींचेंगे। ये हमने 1.5 इंच और 1 इंच के बीच में हम प्लेट रखेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। हमने सर्कल बना लिया। चलिए मैं इसे कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ध्यान से फ्रेंड, इतना प्यारा मैंने ड्रॉ किया मास की कटिंग की। पूरी गुलाई राउंड शेप लेंगे हम इसको लाइन पे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए कटिंग में। देखिए फ्रेंड्स, ये मास कट गया हमारा। चलिए इसे कपड़े पे कटिंग करूँगी मैं, फिर आपको सिल के दिखाऊंगी मास को। ये हमारे बचे हुए कपड़े हैं फ्रेंड्स। जैसे सूट के कपड़े बच जाते हैं या किसी चीज़ के कपड़े बच जाते हैं, तो उसके हम मास बना लेते हैं।
ऐसे पेपर रख के साथ साथ में कटिंग कर लेना। कट गए हमारे 4 पीस मास्क के। चलिए मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। ये रख लीजिए, क्योंकि आप इससे बहुत सारा मास्क बना सकते हो इस पेपर से। देखिए फ्रेंड, मैं सिलाई कैसे लगा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी सिलाई लगाइए। बिल्कुल जरा जरा से सिलाई लगानी है, कपड़ा ज़्यादा नहीं दबाना सिलाई में, एक पॉइंट से भी कम। देखिए इसे सीधा कर रही हूँ। चलिए लाइन से लाइन मिलाएंगे हम, फिर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सिलाई से सिलाई मैच करनी चाहिए फ्रेंड, बिल्कुल जरा जरा से सिलाई लगानी है। ये नहीं कि आप ज़्यादा कपड़ा दबा दो अंदर, एक पैर से भी कम सिलाई होनी चाहिए। इधर भी हम सिलाई लगाएंगे। चलिए इसे मैं सीधा करके दिखाती हूँ। सीधा कर लीजिए अच्छे से बिल्कुल। और फ्रेंड अगर आप चाहो तो फिर प्रेस भी मार सकते हो, पहले बिठा सकते हो इसे सिलाई प्रेस मार के। चलिए मैं आपको प्रेस मार के दिखाऊंगी, इसे प्रेस मार के लाती हूँ मैं। एक्स्ट्रा कपड़ा है जो बाहर निकल रहा है, इसे आप कटिंग करके निकाल सकते हो। सिलाई बिल्कुल एकदम चोंच इसकी निकलनी चाहिए। ये मैंने प्रेस कर लिया इस पर। चलिए मैं आपको लास्टिक डाल के दिखाऊंगी, लास्टिक कितने इंच की होनी चाहिए इसमें। टोटल इसके अंदर 4.5 इंच की लास्टिक होनी चाहिए फ्रेंड, बच्चे का मास है इसलिए 4.5 इंच की लास्टिक होनी चाहिए। आप थोड़ा सा 4.5 से एक्स्ट्रा रख सकते हो। कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे हम। इसे दोनों तरफ फोल्ड कर लेंगे, फिर इसमें लास्टिक डाल के हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे से बराबर ही फोल्ड करना है हमें, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर आपने छोटा बड़ा कर दिया फ्रेंड तो मास अच्छा नहीं बनेगा। आप चाहे तो इस पर प्रेस भी मार सकते हो सिलाई इसको बिठाने के लिए कपड़े को। इसमें 1/2 इंच डालना है लास्टिक, बिल्कुल 1/2 इंच डालना फ्रेंड्स इसमें लास्टिक, वरना लास्टिक छोटी हो जाएगी। अब अगर आपने 1/2 इंच से ज़्यादा इसमें डाल दिया लास्टिक तो लास्टिक को सीधा करके डालना है। लास्टिक बुननी नहीं चाहिए,
डबल सिलाई लगाएंगे हम लास्टिंग पर। देखिए फ्रेंड्स, मास बन गया है, ये बच्चे का मास है। तो इस पर थोड़ा सा हम डिजाइन करेंगे, अपनी कारीगरी करके दिखाएंगे आपको। ये हमने ब्लैक कपड़ा लिया है, इसे डबल करके हम सिलाई लगाएंगे। कटिंग करके निकालेंगे। आप 1 इंच से कम होना चाहिए चौड़ाई इसकी। ये हमने कटिंग कर ली, देखिए फ्रेंड्स, ये 1/2 इंच का है लगभग। और हमने सिलाई लगा ली, इस पर बंद कर लिया। लगभग ये 5 इंच का कपड़ा हमने फोल्ड करके सिलाई करी है। इसे सुई से टाकेंगे, इसका फ्लावर बनाएंगे। देखिए छोटा सा हमने फ्लावर बना दिया। पूरा लास्ट तक सिलाई लगाएंगे हम। धागे को खींच के अच्छे से ये फूल बन गया हमारा। चलिए इसे हम मास में अटैच करके दिखाते हैं आपको। ये फ्लावर आप किसी भी साइड में लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ये स्टोन मैंने बाजार से लेके आई हूँ। मैं ऐसे स्टोन इसमें फिक्स कर रही हूँ। मास का लुक आ गया, क्योंकि बच्चे का मास है फ्रेंड्स, इसलिए इसे भड़कीला सा बना रही हूँ मैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये मास एक लड़की का है, इसलिए मैं इस पर फ्लावर लगाया मैंने। देखिए आपका मास तैयार है। आप भी ऐसे बना सकते हो देख के मेरे चैनल से।